सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 यूनिक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आइडिया। बिकॉज कल से लेके अब तक मैं बहुत सारे लोगों को एडवाइस कर चुकी हूँ, आप ये बनाइए, ऐसा करवा लीजिए, वैसा। तब मुझे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ना मैं इसका एक वीडियो बना के डाल दूँ, तो जितने भी लोग को यदि आइडिया चाहिए है तो उनको मिल पाएगा। हालांकि आइडियाज बहुत सारे हैं, सारे इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। कुछ बहुत ही कॉमन आइडियाज भी हैं, कुछ थोड़े बहुत यूनिक भी हैं, वो सारा मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मेरी आवाज थोड़ी सी लगी हुई है क्योंकि मुझे आज बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, पर इच्छों के काम रुकना नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको आइडिया एडवाइस करूंगी विच इज अबाउट पॉलीथीन। अब आप कहेंगे पॉलीथीन जैन धर्म से कैसे रिलेवेंट हुआ, आप उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप पहले तो एक माला टाइप से बना सकते हैं, या आप चाहें तो बच्चे को पूरा पॉलीथिन से रैप कर सकते हैं, या फिर एक माला टाइप बना के उसमें पॉलीथिन से लटका सकते हैं। अब वो जाके संवाद में ये बोलेगा कि मैं हूँ पॉलीथिन, क्योंकि हम तो जैन हैं और जैनों का मुख्य सिद्धांत होता है अहिंसा। लेकिन पॉलीथिन खाने से कई सारी गायें मर जाती हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। तो क्या वाकई हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं? नहीं ना, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। इस तरीके से आप उसका एक छोटा सा उसको धार्मिक रूप देके उसका संवाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है सोन चिरैया। ये बहुत पहले मैंने कहीं देखा था, तो इसको आप ऐसे करा सकते हैं कि कुछ येलो कलर की ड्रेस पहनाइए, पीछे से येलो जो गोल्डन कलर के फैदर आते हैं वो लगाइए, और पूरी बॉडी पर गोल्डन कलर के स्पार्कल लगा दीजिए। जब वो गोल्डन हो जाएगा तब वो बच्चा जाके बोले कि मैं हूँ सोन चिरैया, हमारा भारत पहले कैसा था परंतु अब कैसा हो गया है। पहले हमारा भारत तो सोने की चिड़िया था, लेकिन अब लोहे की चिड़िया भी नहीं बचा। क्यों? कुछ महान राजाओं की बुद्धि के चलते उन्होंने वो भटक गए, जिसके चलते अंग्रेजों ने सारा सोना हमारे देश से लूट लिया। बहुत सारी चीजें थी जो सिर्फ हमारा देश ही करना जानता था, लेकिन आज उनका क्रेडिट अंग्रेज उठा रहे हैं। इस तरीके से हम इसको एक बहुत अच्छा सा संवाद लिख सकते हैं, जो आर्टिस्ट्री का मेन सपना है। ये भारत को जो वो कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक संदेश के साथ बहुत यूनिक सा आइडिया है। नेक्स्ट है बहुत ही, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन भी है, लेकिन इसको हमें वापस अब हम यूनिक यूनिक करने के चक्कर में इस चीज को हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये तीसरे नंबर का जो मैं बता रही हूँ, इसमें कई सारी हमारे जैन धर्म में सतियां रही है, जैसे सती सीता हुई, चेलना हुई, अनंगसरा हुई, मैना सुंदरी हुई, चंदन बाला हुई। तो हमें इनके ऊपर भी एक्ट कराना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो समझे कि हमारी जो सतियां थी वो कैसी थी, उनका जीवन कितना ज्यादा। तो हमें ये पार्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए जितना मैं समझती हूँ। नेक्स्ट है पिच्छी। तो दिस इज फॉर मेरी जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, कि आप पिच्छी लीजिए, उसको एक माला सी बना के और उसके गले पे लगा दीजिए। ऊपर से हम यहाँ से कोई एक वुडन की स्टिक लगा सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं कि मैं हूँ पिच्छी और मैं जीवों की रक्षा करती हूँ। उस तरीके से जो भी है, जो भी पिच्छी का कार्य है वो हम उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है कमंडल। इसके लिए हमें थर्माकोल की जरूरत होगी, हम थर्माकोल बनाकर बच्चों को, बच्चे का उसको कमंडल बना सकते हैं। और कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इनके जैन साधु या कई जैन जो बड़े शहरों में आप जाके देखेंगे, उनको भी आज तक ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में जैन साधु कमंडल का क्या यूज करते हैं। तो हम वो यूज हम बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने ऐसे एनालिसिस की कि मैंने पिछले जो मेरे धार्मिक वीडियो बहुत सारे मैंने बनाए थे, उसमें मैंने जब अबाउट कमंडल के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे व्यूज थे। ऐसा मैंने ये फील किया कि ये इसके बारे में लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो उनको सब पता ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं छठे नंबर पे। तो आप बना सकते हैं बच्चे को हथकरघा। ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। आर्टिस्ट्री के वन ऑफ द, जिसको हम कह सकते हैं बिगेस्ट ड्रीम में से एक है, कि देश में हथकरघा का प्रचार वापस से शुरू हो। तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, जो भी आर्टिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं श्रमदान के थ्रू, चरखा के थ्रू, ये सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है सौधर्मेंद्र। आजकल की नई जनरेशन के बच्चे नहीं जानते सौधर्मेंद्र कौन था, क्या था। तो छोटा बच्चा कोई हो जो ज्यादा बोलना नहीं जानता हो, 3-4 साल का हो, उसको हम सौधर्मेंद्र बना सकते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं जिसमें आप बच्चे को बना सकते हैं जिनवाणी, ये भी छोटे बच्चों के लिए है। इसमें आपको ये रेड कलर का थोड़ा सा आपको इसमें आप कह सकते हैं कि जो प्रिंटर्स वाले होते हैं उनकी मदद लगेगी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल हम जो जिनवाणी के अभिनय करते हैं जिससे बहुत ज्यादा जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो हम वो एक मैसेज इससे बहुत अच्छा पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज है पद्मावती, जो जिन्होंने पाषाण भगवान की रक्षा की थी, हम उनका एक स्टोरी बहुत छोटी सी दिखा सकते हैं कि मैं हूँ पद्मावती और जब मतलब पाषाण भगवान, इस तरीके से हम वो जो चालीसे में आता है उसकी हम स्टोरी इसके थ्रू बता सकते हैं, उसके फंड वगैरह बना दो कोई बच्ची है तो। नेक्स्ट एक बड़ा जो आपने कहीं देखा नहीं है वो होगा मंदिर सेवक जो होते हैं, माली जो होते हैं मंदिर के, हम उनका फैंसी ड्रेस में हम उनको रख सकते हैं कि वो क्या फील करते होंगे, लोग जब उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। जो बच्चा अच्छा बोलना जानता हो ना वो इस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। आप अपने मंदिर में जो माली है उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कई माली चिड़चिड़े होते हैं, कई बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, कई हमेशा बात मान लेते हैं, कई अकड़ जाते हैं, कई लड़ते हैं, कई चिड़चिड़ करते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वो अपन एक बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है बहू, आप बहू है आप इसमें चाहें तो आप बहू को एक पॉजिटिव बहू भी बना सकते हैं। बहू बहुत सारा वेरिएशन है बहू के अंदर, मैं आपको बताऊं मतलब आप इससे भी चार पांच प्रकार की बहू बन सकती है। एक है जिसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है वो बहू का रोल हो सकता है, जिसमें वो कुछ चार लाइन्स वगैरह आके बोल रही है, मैंने एक बार किया था फैंसी ड्रेस में जब मैं बहुत छोटी थी, थर्ड प्राइज मिला था। फिर एक बहू का आप रोल करा सकते हैं इसमें जो बहुत ही संस्कारी है, जिसको बहुत चिंता है अपने घर की, एक बना सकते हैं आप एकदम उड़ाने खाने वाली बहू जो सिर्फ किटी पार्टीज और ये सब करना ही जानती है, उसको कोई मतलब नहीं है घर द्वार से, बहुत फैशनेबल है। तो इस तरीके से आप बहू में अपने सबसे वेरिएशन देख लीजिएगा जैसे आपका बच्चा बोलना जानता हो। नेक्स्ट है सास, सास भी इसमें भी सेम जैसा बहू का रोल है सेम वैसे ही सास का रोल है। कई सासें होती है बहुत चिड़चिड़ करती है अपने बहुओं की बुराई करना, कई बिल्कुल अपनी बहू को बेटी की तरह मानती है, इस तरीके से इसमें भी आप वेरिएशन दे सकते हैं जैसा आपको इसमें सही लगे, आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो आइडियाज हैं, जैसे श्रवण कुमार हो गए, जैसे कॉमन राम जी हो गए, भरत हो गए, बाहुबली भगवान बनाते हैं कई बच्चों को कि लड़के को खड़ा कर देते हैं और ऐसे ऐसे करके उस पे रैप कर देते हैं, मुनि महाराज बना सकते हैं, भगवान बना सकते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो पर थोड़े से जो अलग है जो बहुत ज्यादा देखने में नहीं आए हैं वो मैंने आपको आज इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डबल जो ये तो सिंगल बच्चा कर सकता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यदि हमारे मान लो कोई पेयर में किसी को कराना है तो फिर बेचारे वो कहाँ परेशान होंगे, तो उनके लिए मैं भी अगला वीडियो जो पोस्ट करूंगी वो डबल बच्चों के लिए ही होगा, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना कैरेक्टर पिक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे, आई मिलेंगी कल वापस अपलोड करूंगी, परमिशन चल रहे हैं वीडियो अपलोड करना है ताकि आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हुए। सिर्फ जैन पाठशाला बाय शिवानी यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको सारी प्रॉब्लम्स का समाधान यहाँ मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जैन पाठशाला बाय शिवानी। सभी को जय जय गुरु।